ਨਿੱਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹੀ ਸਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਜੀ ਸ਼ਟਰ ਉਠਾ ਦਿਓ ਉਹਦੀ ਸ਼ਟਰ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਡਰਾਈਵ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਵੀਰੇ आज हम जा रहे हैं एक्चुअली प्रिंस भाई की शॉप ओपनिंग है जो कि बाइक रिगार्डिंग इन्होंने शॉप अपडेट किया अपने स्टोर में हेलमेट वगैरह हो गए बाइक एक्सेसरी वगैरह हो गई तो यही चीज़ें कुछ उन्होंने रखी है अपने स्टोर में तो भी मैं जा रहा हूँ पहले रोहन भाई के घर पे उधर से हम दोनों एक साथ निकलेंगे जब से मैं पहाड़ों में होकर आया हूँ ना बाइक में एक अलग सी पावर ही फील हो रही है क्योंकि मेरी बाइक पहली बार पहाड़ों में जाके आई है और जो इसका इंजन खुलता है ना वो पहाड़ों में जाके खुलता है तो अब थोड़ा बेटर फील कर रही है बाइक मेरे को भी बेटर लग रही है पावर के हिसाब से भाई ऐसा लग रहा था किसी ने लास्ट चेक की है फोरे में डाल दिया फाइनली पहुंचने वाले हैं प्रिंस भाई की शॉप पे नाम भी देखो क्या रखा दिलीप बंकल स्टोर गुल्ला साहब की दुकान अगे खड़ी करनी चमक रही होनी चाहिए है आ गया जी तो गाइस यहाँ पे अभी डेकोरेशन चल रही है और वो आ गया देखो भाई वो आ गया वो पीछे फटफटिया फटफटिया बंदे आ गए और आ गए हेलो तो अभी अंदर से दिखाता हूँ मैं ये देखो भाई बैलून बैलून और यहाँ पे अभी ये ओपन करके रखने हैं ये अपने हेलमेट पड़े हैं यहाँ पे लो भाई एक बजे से वेट हो रही है तेजस भाजी और अभी आ रहे हैं सो गाइस अभी यहाँ पे रिबन कटिंग होने वाला है
चलो हो जाओ बिलकुल जी बस सारे सपोर्ट करो फाइनली जॉब की ओपनिंग हो गई और बहुत बढ़िया रहा सब कुछ। अभी हम जा रहे हैं रहा राइड पे, शायद मैं ना जाऊं, मैं अमरिंदर भाजी की शॉप तक जा रहा हूं क्योंकि ना इसमें थोड़ा इशू आ गया यार मेरा, जो ब्रेक साइड का फुट रेस्ट होता ना वहां पर नट गिर गया है। साथ ही मिल गया और देखते हैं अभी नट इसका मिलता है या नहीं मिलता।